गाइस जब गांव में रहते हैं ना, जब हम लोग को प्यास लगती है ना, हम लोग पानी से ज्यादा तो नारियल पानी ही पीते हैं। बहुत मजा आता है नारियल पानी पीने के लिए। मैंगलोर पीपल तो ऐसे ही है, पानी से ज्यादा नारियल पानी पीते हैं। बहुत मुश्किल है नारियल निकालने के लिए, मुझसे तो नहीं होगा। बहुत यम है। गिर गई मैं ना, बहुत थक गए ना। चलना पानी पी के आते, बहुत प्यास लग रही है। चलना। आउच, पत्थर बहुत चुप रहे हैं ये, बट फिर भी देखना, कितना भी चुपते हैं फिर भी गांव में चप्पल पहनने का मन ही नहीं होता है ना, ऐसे ही चलने का। मुझे अच्छे से बांधना पड़ेगा अंडे को, वरना पता चला ये अंडा नीचे ही, फिर तो हम लोग को प्यासा ही रहना पड़ेगा। और फिर ये निकालेंगे भी कैसे, कुएं से नहीं निकाल सकते। फास्ट जा रहा है, निकालते वक्त तो और टाइट रहेगा, और मुश्किल रहेगा, जाते वक्त कितना आसानी लगता है ना। दम लगा के खाईशा। हे भगवान, प्यास बुझाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है ना। सुनना, पानी डालना। पेट भी बहुत भर गया और प्यास भी बुझ गया, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग के घर के पास इतने सारे फूल है कि हम लोग को है ना बाजार में जाके खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग के आंगन में इतने सारे फूल है कि हम लोग भगवान का दर्शन भी कर लेंगे फूल रख के। शाम के 5:30 बज रहा है और अभी धूप भी नहीं है। हम लोग ना लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ना घर पे आके ना खाना पकाना है। मतलब हम लोग का जो मैंगलोर का चावल है ना, वो बहुत मोटा मोटा होता है, तो वो हम लोग ना गैस में नहीं पका सकते क्योंकि बहुत गैस वेस्ट होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा लकड़ी तोड़ के लाते हैं, उसके बाद जलाते हैं और हम लोग चावल उसी में ही पकाते हैं। चलिए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, आओ, छात में दर्द हो रहा है। क्या पता गांव के लोग इसको कैसे डेली मैनेज करते रहेंगे। गाइस, आज ये मेरा फर्स्ट डे है और मैं ये तोड़ रही हूँ और मेरी कैसी हालत हो गई है, पता नहीं ये गांव वाले कैसे करते रहेंगे। कितने मेहनती होते हैं ना वो लोग, हर चीज़ गैस में नहीं पकाया जाता है। गाइस, मैं मेरा कपड़ा धो रही हूँ क्योंकि गांव में तो बाथरूम नहीं होता है और ऐसे पत्थर में ही धोना पड़ता है। उई, गाइस आदत नहीं है ना, तो पहला दिन है ना, तो फिर एडजस्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। पता नहीं गांव वाले कैसे करते हैं। पूरी गिल्ली हो गई मैं, कपड़े से ज़्यादा गिल्ली तो मैं ही हो गई हूँ। गाइस, मैं नारियल निकाल रही हूँ खाना पकाने के लिए। नारियल हम लोग को है ना मार्केट में जाके नारियल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग के बगीचे में, हम लोग के फार्म में इतने सारे नारियल का पेड़ है कि हम लोग को है ना फ्री से मिल जाता है नारियल, क्योंकि मेरे दादाजी ने ना पहले ना बहुत सारा नारियल उगाया है ना, तो इसके लिए अभी हम लोग आराम से जीते हैं। दादाजी के वजह से ही हम लोग फ्री का नारियल खा सकते हैं अभी, वरना देखो अगर दादाजी ने झाड़ नहीं लगाया होता तो हम लोग को ये फ्री का नारियल मिलता नहीं। हमें भी मार्केट जाके ही खरीदना पड़ता, 30 रुपया दे के, 40 रुपया दे के, और अभी देखो हम लोग फ्री से नारियल ले रहे। बहुत मुश्किल है नारियल निकालने के लिए, मुझसे तो नहीं होगा। ये जो झाड़ दिख रहा है ना, उसमें ना ये जो छोटा सा जैक फ्रूट होता है और ये कभी बड़ा नहीं होता है। ये इसका जाति क्या है पता है, ये हमेशा छोटू सा टिंगू सा ही रहता है और ये बहुत यम रहता है पता है अंदर से। तो देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। वाव, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो मुँह में डालूंगी तो कितना टेस्टी लगेगा। बहुत मीठा होता है ये। बहुत यम है। गाइस, झूला करने बहुत मजा आता है। ये मेरी दादी का साड़ी है और हम लोग हमेशा हर साल आते हैं तो दादी का साड़ी हम लोग दो झाड़ के बीच में लगाते हैं और झूला करते हैं, बहुत मजा आता है। गाइस, ये मेरा गांव है।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। रक्षिता लव्स यू ऑल सो मच।